हो सकता है, मतलब वो है ही वैसे एकदम चीर फाड़ वाले, तो एकदम इनका गया मतलब इतना कुछ नहीं था, पर उसमें देखो बहुत टाइम हो चुका है, हमने वीडियोस बहुत कम बनाए हैं, बट फाइनली हमने छोड़ डाला, वीडियो से स्टार्ट किया, फिर से रमजान में पूरा गैप लिया गया था, उसके बाद फिर वो वीडियो डालने के बाद लगातार नॉन स्टॉप हमें इसके बारे में पता चल, मैं पता भी नहीं था क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब 90% कमेंट सिर्फ इसी को लेकर है कि बीच चल रहा है कर्मा वर्सेस यंग गालिब, जरूर आप स्टार्ट करें। फाइनली आज हम बैठे और सारा का सारा जो अब तक आई थिंक 4 से 5 सॉन्ग आ चुके हैं अब तक और बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसे तक कुछ मतलब कमेंट्स में ही पढ़ा मैंने और अब पता चलेगा। फिर मैंने अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको बता भी दूँ, यहाँ पे मैंने कमेंट बढ़ाया कि भाई एयरप्लेन मोड आया है, तो मैंने ऐसे कॉपी करा और यहाँ पे डाला है कि भाई चलो स्टार्ट कर दे, देखो अभी मैं डालूंगा ना वही आएगा एयरप्लेन मोड, वहां से कॉपी करके डाला, बोले हाँ, फिर पता चल रहा है ये पहला है, तो ये सुन के देखते भाई क्या सीन है, कुछ पता चलेगा ना, यहाँ से स्टार्ट कर दे। मेरे साथ है मुमताज, पीछे बैठे आरिफ भाई, मैं आपका जोहान, स्टार्ट कर दे एयरप्लेन मोड पे, हम भी चलते हैं और बहुत जल्दी फेस रिवील करने वाले, मैंने कहा था बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, कुछ मेरा काम है उसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, बट अब कर देंगे, चलो स्टार्ट कर दे। पे चलो लॉन्च। ओ भाई साहब एक सेकंड, I am not in the danger. Back to 2015, kuch tha wo vibe mein peeta nahi tha na zyada high, kab doodh aur malai se whiskey aur joints pe pahunch gaya, pata hi nahi kahan aa gayi life, jo kal tak tha job pe aaj haath mein mic hai, pehle suni nahi aaj mangte sign hai, bachpan mein violent khoon karta fight, ab dur hai ladai se kruta dikhai nahi, liya kuch nahi khud aukaat banai, ye bante har yaar, ya bahut mast line hai yaar, ab tak jitni line chali hai mujhe aisa kuch bhi disappoint nahi laga, but yaar मोटिवेशन भरी हो, मतलब कहां से कहां पहुंचा दूध से बाकी अच्छी चीजों से। ओके फाइट अब दूर है, लड़ाई से क्रूरता दिखाई नहीं, लिया कुछ नहीं खुद औकात बनाई, ये बनते हैं रैपर रॉका दिखाई, जो लंच में अकेला बैठा था साइड में, आज सबका दोस्त और आज सबका भाई, नॉट फॉर द व्यूज एंड नॉट फॉर द हाइप, आई वांटेड टू रैप, ये ट्रू था असाइनमेंट, जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, चाहता के भाई भी ज्यादा कमाए, सो आने वाला कैसी ना अपना convoy मत भरो, we just convoys, जिसे ये out rap नहीं कर सकते, I'm that boy, और उसी से बात करने के लिए रखनी पड़ी मुझे cat boy, so meow या now hood में बचते रहेंगे, वहाँ गाने मेरे अभी young है तू, तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस beef का जाने दे, game में कौन don, मोहल्ले का कौन भाई, प्यार था काफी पर जाने दिया उसे, had to make a damn choice, ये stock करने बन के fan boys, मैं stock भरूं जैसे सेल कोई, ये ops थे ops में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए, flops हैं tracks ये कभी ना चल पाए, stories की बदौलत एक शो मिल पाए, उसमें भी मेरा ही नाम, ये चिल्लाए मिली जो hype बस उसी में खुश रहे तेरी, इससे ज्यादा खुर्राक भी नहीं और इससे ज्यादा औकात भी नहीं, honestly I'm done with you guys, मैं खाली बैठा कोई आदमी नहीं, मुझे काम है 34 या deals है 35 तो क्यों रखूं इसका आंकड़ा, दो नंबर लोगों से ए, या बातें करोड़ों की ए, ये साले सब सड़ रहे हैं, फ्लो मेरा कोरो से ए, they can't even run now, मेडन ये ओवर है ए, तुम कुत्तों में लैंडी हो ए, मैं कुत्तों में डॉबरमैन ए, तुम ब्रीड बताओ कुत्तों का, ते यो फादर में ए, वो ज्वाइन करती शावर में ए, बूटी चढ़ी जैसे डाबर में ए, मेरे लोस में हाई रखते, जॉइंट्स में पावर है ए, बंदा तो टू गुड है ए, बट स्किल्स में कोबर है ए, तो मुझको न तंग करे ए, ते खाली बट ठोकर है ए, तो कर्मा अब शो पर है ए, और मैं नहीं बनूंगा उन नेक्स्ट कलमकार जैसा, हैड सम सक्सेस नाउ कांट टेस्ट इट, लाइफ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल बेसिक, माइंड है एट पीस, GOAT की मैं लास्ट बीट, ये बज रहे हैं क्रैक पे नो एस चीक, एक्चुअली याद आया कुछ एस चीक से, एक्सी इन माय बैक सीट डूइंग नास्टी, आई मीन डूइंग नास्टा, हैविंग पेस्ट्री एंड कॉफी, मी आई एम प्लानिंग टू स्लीप सो नो कैफीन, हुआ काफी टाइम पेंडिंग
नहीं उठाया तीन महीने से पूछा है वो स्टिल गार इट मेरा माइंड किसी थीम पे नहीं बैठ पा रहा था मुझे सॉन्ग्स नहीं बनाने थे या बिन बात के डार्क प्लेस डार्क माइंड डार्क थॉट्स आई वाज गोइंग थ्रू शिट आई वाज इन बैड शेप स्टिल बैंगर्स बनाए मैंने इन दैट स्टेज आई ड्रॉप दिस बॉम्ब जैसे बिन लादेन मुझे चाहिए नहीं किम चाहिए बी कुछ प्लास्टिक नहीं रियल शिट और शिट से याद आया कि ट्रैक का 12 तेरा लड़नी उखाड़ेगा तू इस साल 200 तुम नोटिस कर रहे हो अभी के जो शैडोज हैं ये इसका रीजन क्या था मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता किस लिए जैसा बिन ने कहा कि जो स्टोरीज में क्या क्या बोला क्या क्या सीन हुआ वो मुझे नहीं पता कि क्या सीन होता यंग गालिब ने कुछ ऐसा रखा था क्या बहुत स्मूथली बहुत अलग 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 किस्म के बार्स बहुत प्यार से जा रहे यार क्लास है खत्म ना मस्त था भाई फुल क्लास में गला ये फुल क्लास में गला मतलब कुछ भी था सही सही एकदम तरीके में बोली गई ये बातें कि क्या है क्या चल रहा है क्या क्या हुआ मैंने बहुत स्टार्टिंग में मोटिवेशन वाली अपने लाइफ के बारे में थोड़े कुछ लाइन बोला भाई ने उसके बाद फिर थोड़े बहुत शॉर्ट दिया इस साल में भी तू कुछ करने वाला नहीं है तू क्या है तेरे तू ऐसा बंदा अच्छा बाकी तू गोबर है दुनिया भर की ऐसी बातें हुई है बट हाँ आप देखना पड़ेगा उसका रिप्लाई क्या आया था यंग गालिब की तरफ से और इसका रीजन क्या था आप जरूर कमेंट में आप लोगों को जरूर पता होगा मैं जानता हूँ आप लोगों से सब कुछ हमें पता चलता है बहुत सारे लोग एक्सपर्ट है बट हम इतने एक्सपर्ट नहीं है तो आप जरूर हमें बता सकते हो यस मुमताज क्या बोलना चाहोगे आपको कैसा लगता है मतलब आपने कर्मा को इससे पहले कभी सुना है कर्मा जी को नहीं सुना आपने फर्स्ट टाइम कर्मा को सुना मुझे पता भी नहीं था कौन है अच्छा पर अच्छा है इनका रैप भी मतलब लाइक सब कुछ एकदम परफेक्ट एकदम बार एक बार एकदम क्लीन एकदम मतलब वो सही आया बार्स के साथ चल रहा था बीट पे एकदम अच्छा लगा ठीक है मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो अच्छा है क्या लगता है इसका रिप्लाई किस तरह करेगा गालिब ने गालिब को सुना रहा था तोड़ फोड़ देगा वही सोच रहा था मैं दो तीन सुना तुमने उनका गालिब का बहुत खतरनाक है उनका रिप्लाई तो बाप हो सकता है कुछ तो बहुत खतरनाक हो सकता है मतलब वो है ही वैसे एकदम चीर फाड़ वाले तो एकदम इनका गया मतलब इतना कुछ नहीं था पर उसमें मतलब हो गया उनका भी सुनना पड़ेगा कैसा लग रहा है बहुत हार्ड इनका भी हार्ड है बहुत एकदम आराम आराम से ले लिए मतलब बहुत बड़े पॉइंट को उठा के बात किया भाई ने की क्या क्या सीन है क्या नहीं है बट अभी पता चलेगा सामने से क्या रिप्लाई आया बाकी चीजें हमें आपसे पता चलेगी और यस भाई अभी यहाँ पे पहला ट्रैक है तो मतलब स्टार्टिंग में सीधा पब्लिक सामान्य निकल देना पहले से चलती है बोले तू आंख दिखा रहे आंख दिखाएंगे फिर तू हाथ दिखा रहे हाथ दिखाए तो उस तरह की सीन है अभी प्यार से स्टार्ट हुआ देखते कहाँ तक जाती है बात नेक्स्ट सॉन्ग फट से चेक करते आप भी चेक करिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में चलिए बाय।